बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने स्टार्ट की हुई है 10th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल इसका पार्ट नंबर 1 किया था, जो कि बहुत ईजी फॉर्म में था, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज़ होता था। तो यहाँ पे देखें, स्टेटमेंट मैंने लिख ली है इसकी, 2x² + 3x + 7 = 0। ये सारी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है यहाँ पे ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, बिल्कुल वही तरीका है कल वाला। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसके पार्ट्स बना लेने, ये सबसे पहले मैंने एज इट इज लिखना है 2x² + 3x + 7 = 0, ठीक है ना। अब a इज इक्वल टू मैंने लिखना है 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये मैंने इसके पार्ट्स बना लिए। जैसे फार्मूला यहाँ पे सबसे पहले वही यूज़ होगा कि डिस्क्रिमिनेंट वाला, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसको कैसे अरेंज। तो यही देखें, b² - 4ac, मैंने फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, 3 का मैंने अंडर रूट 3 का स्केयर किया, ठीक है, 3 का स्केयर एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे मैंने लिखा 7, ठीक है, समझ आ रही है। इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया या तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कैसे मैंने अरेंज किया, 3 × 9 आया, ठीक है, 3 × 9 एंड -7 × 2 = 14, 14 को जब 40 साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 आया आंसर, ठीक है ना। तो इसको अगेन मैंने सॉल्व किया, इसको अगेन सॉल्व करने के लिए -56 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, -47, ठीक है ना। तो 47 को मज़ीद हमने अरेंज करना है, वो कैसे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलो मैं हमने फार्मूला लेना है, ठीक है ना। हमने ना वो जो इसका फार्मूला लिया था x² वाला अंडर रूट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लिया है, फर्क कलंदा के लिए रूट्स लिया, ठीक है ना, रूट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फार्मूले को अप्लाई, x = -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है ना, इसका अंडर रूट लूँगी मैं इनका। तो इस तरीके से, तो ये देखें, ये जो हमारे पास लाइन है ये यहाँ तक आएगी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैंने इसको कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताऊँ। जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर लेनी है। बी की कौन सी वैल्यूज थी हमारे पास, 3 थी। तो x = हमने -3 एंड +3 का, अब ये सबसे पहले मैंने इसको पहले लिख लेना है, बाद में अरेंज करना है, ठीक है ना। 2 एंड 7 ओवर बटे में हमने क्या लिखना है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया 2a की वैल्यूज हमारे पास कौन सी है, हमारे पास 2 है, तो 2 × 2 = 4 होगा, ठीक है ना। x = अब -3, ठीक है, थोड़ा सा ये मैं ऊपर लिख लेती हूँ फिर, x = -3 एंड +3, 3 = 9, ठीक है, एंड माइनस ये 56 आएगा, ये हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया है, ठीक है, 4 आया यहाँ पे। तो x = ये देखते चलें आप लोग, x = किसके इक्वल है, -3 एंड +। तो ये मैंने इसको माइनस किया आपस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास -47 आया, -47 ओवर बटे में हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया 4, ठीक है ना। तो हमने इसको मज़ीद अरेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास -47 का जो हमारे पास स्केयर रूट है वो ओपन नहीं हो सकता, ठीक है, डायरेक्टेड ओपन नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास 49 होता तो हमने 7 × 7 = 49 कर लेना था, लेकिन यहाँ पे 47 है तो लिहाजा ये हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो हम ना बस ये हमारे पास ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है शॉर्ट के हवाले से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग खुद नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।